गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज फूड वर्ल्ड। आज हम भुने चने के पेड़े बनाने जा रहे हैं, तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कटोरी चीनी पीसेंगे। चीनी पिस गई है, अब चीनी को पलट लेंगे। उसी मिक्सर में हम भुने चने पीसेंगे। इसको दो बार में करके पीसिएगा। पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, इसको बिल्कुल सूखा ही पीसिएगा। हाँ दोस्तों, इसके छिलके पहले से ही उतार लीजिएगा, तभी पीसिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से पीस लीजिएगा। चीनी में हम जमा हुआ 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। अब चीनी को और घी को एक साथ पहले चम्मच से मिलाएंगे, फिर चम्मच हटा देंगे और हाथ से मिलाएंगे। इसी तरीके से हाथ से घी और चीनी को अच्छे से मसल मसल कर मिक्स कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि चीनी और घी अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए गोले जैसा बंधने लगा है। अब इसमें पिसा हुआ चना मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद एक साथ इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें कुटी हुई इलायची डालेंगे। जब सब अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें 2 बड़े चम्मच पिघला हुआ देसी घी डालेंगे। अब फिर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। ये दूध उबाल करके मैंने पहले से ही ठंडा कर लिया है। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाइएगा। एक बार में सारा मत डाल दीजिएगा, नहीं तो गीला हो जाएगा। बिल्कुल आटे का डो जैसे होता है उसी तरीके से बना लीजिएगा और इसी तरीके से हाथ से मसलते जाइएगा तो ये घी भी छोड़ने लगेगा।
देखिए दोस्तों, अभी हमारा डो परफेक्ट नहीं था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध और डाला है। देखिए दोस्तों, इतना दूध बच गया है। कुल मिलाकर मैंने आधा कप दूध डाला है थोड़ा थोड़ा करके। अब ये बिल्कुल आटे का डो तैयार हो गया है। हमारा डो परफेक्टली तैयार हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, जैसे पेड़े की होती हैं। गोलियां आप अपने अनुसार छोटी बड़ी कर सकते हैं। आप किसी भी चीज से डिजाइन दे सकते हैं। ये मैं जिससे डिजाइन दे रही हूँ, इससे ठेकुआ बनाया जाता है। मैं उससे डिजाइन दे रही हूँ। जो कोने आपको हल्के हल्के फटे से लग रहे हैं, उसको आप ऐसे ही हाथ से मिला दीजिएगा। वैसे पेड़े में जब तक किनारे पर हल्का सा स्क्रैच नहीं होता, तब तक अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए थोड़ा स्क्रैच होना जरूरी है। बस इसी तरीके से आप सारे पेड़े बना लीजिएगा। देखिए दोस्तों, कितने सुंदर पेड़े बनकर तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। अगर आपके पास कोई भी चीज नहीं है तो आप ये कांटे का चम्मच ले करके इससे भी इसी प्रकार से डिजाइन दे सकती हैं। ये देखिए दोस्तों, हम आपको दो तीन तरीके से बता रहे हैं। और अगर ये भी नहीं है तो आप प्लेन पेड़े भी बना सकती हैं। बस इसी तरीके से सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। एक तरीका और मैं बता रही हूँ डिजाइन देने का, जिससे हम पूड़ी पकौड़ी निकालते हैं, वो वाली छन्नी लीजिए और उससे भी ऐसे दबा दीजिए तो डिजाइन बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, है ना कितना सुंदर डिजाइन। बस आप इसी तरीके से सारे पेड़े बना लीजिए।
इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए बस एक एक पिस्ता लगा देंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे पेड़, है ना बिल्कुल बाजार जैसे। दोस्तों हमारे भुने चने के पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं, आप सबको कैसे लग रहे हैं? अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।